दोस्तों, क्या आपकी स्किन 35 प्लस होने के बाद में लटकने लगी है? क्या आपकी आंखों के आसपास रिंकल्स आने लगे हैं? क्या आपकी स्किन के ऊपर आपको झुर्रियाँ और जो लटकन जो होती है वो दिखाई देने लगी है? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है और आप बाहर अपने किसी दोस्त से या फिर इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं कि इन्हें कैसे ठीक किया जाए, तो एक जवाब आपको बहुत जगह पर मिल जाएगा और वो है बोटॉक्स ट्रीटमेंट। बोटॉक्स ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट द्वारा आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको जहां पर झुर्रियां होती हैं वहां पर इंजेक्शन के रूप में किसी चीज को जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होती है, उस लिक्विड मेडिसिन को आपकी स्किन के नीचे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की मसल्स को थोड़ा सा कुशनिंग इफेक्ट आता है और लगभग 4 से 6 महीने के लिए आपकी स्किन जो होती है उससे रिंकल्स चले जाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर, क्योंकि आपने अंदर से अपने आप को ठीक नहीं किया है, तो जो एप्रिसिएशन है वो चल रहा होता है। आपने सिर्फ दिखावट के लिए बाहर से रिंकल्स को हटा दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर जो रिंकल्स हैं वो बनने की प्रक्रिया अभी भी धीमी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जब इस बोटॉक्स का असर खत्म होगा तो डेफिनेटली आपके चेहरे पर पहले से ज्यादा झुर्रियां नजर आएंगी। और उसका कारण बिल्कुल सीधा सा है ना, कि 4 झुर्रियां अगर मान लीजिए आपके चेहरे पर थी जिसको आपने हटाने के लिए बोटॉक्स किया, तो ये 4 और 2 इन 4-6 महीनों के अंदर खुद बन जाएंगी। तो 4 + 2 झुर्रियां अब आपको 4 से 6 महीने के बाद दिखाई देंगी, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली बोटॉक्स से नफरत होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स के साथ होता है, मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस के दौरान। तो क्या किया जाए? तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम नेचुरली तरीके से बाहर से कुछ चीजों का इस्तेमाल करके बोटॉक्स जैसे रिजल्ट्स ले सकते हैं, और साथ के साथ में जो अंदर हमारे एजिंग प्रोसेस आने का जो भूचाल मचा हुआ है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर जरूर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप अपनी स्किन पर एक नेचुरल बोटॉक्स ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट है वो क्रिएट कर सकें और खुद को एजलेस बनाने में खुद की मदद कर सकें। सो देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोटॉक्स एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है जिसे कि डॉक्टर द्वारा या फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट द्वारा आप करवा सकते हैं। इसका मतलब कि कॉस्टली भी बहुत है, और कॉस्टली होने की वजह से ये बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर हो जाता है। और 80-90% जो लोग हैं जो एजिंग प्रोसेस में आ चुके हैं, लेकिन वो बजट की वजह से इसे नहीं करवा पाते हैं। तो घर में बना करके अगर आप इस पैक को लगाते हैं, और अंदर से मैं एक हर्ब आपको बताऊंगा, अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी स्किन पे नेचुरली बोटॉक्स जैसा रिजल्ट दे सकते हैं। क्या है ये DIY? सबसे पहले ध्यान से उसे सुनिए। इसे बनाने के लिए हमें 7 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। पहला इंग्रेडिएंट है पानी। पानी जो है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को जिनको हम इसके अंदर डालने वाले हैं उन सबको डाइल्यूट कर देगा। तो पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पानी हमें यहाँ पे लेना है लगभग 1 ग्लास। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें इसको DIY को बनाने के लिए चाहिए वो है गुड़हल के फूल या फिर गुड़हल के फूलों का पाउडर। तो अगर आपके आसपास फ्रेश गुड़हल के फूल मिल जाते हैं तो लगभग 5 फूल आप ले लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए उस फूल के, और इस पानी के अंदर आप ऐड कर दीजिए। गुड़हल के फूल अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप गुड़हल के फूलों का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, और वो आपको लेना है 1 चम्मच। गुड़हल के फूल के अंदर, या मतलब कि हिबिस्कस फ्लावर के अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स जो आपकी स्किन के अंदर जाते हैं। आपकी स्किन के अंदर जो स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस हमें चेहरे पर नज़र आता है, स्किन पर नज़र आता है, उसे डिले करने में, उसे ख़त्म करने में हमारी मदद करते हैं। तो लगभग आपको 5 फ्रेश फूल अगर वो है तो, और अगर वो नहीं है तो 1 चम्मच आपको हिबिस्कस फ्लावर पाउडर ले लेना है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है फ्लैक्सीड्स, मतलब अलसी के बीज। फ्लैक्सीड्स जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जेल मेकर है, और ये जेल मेकर होने के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारा ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ हमारी स्किन को लिफ्टिंग इफेक्ट देता है बल्कि हमारे पोर्स को श्रिंक करता है, हमारी स्किन को रिजुविनेट करता है, और हमारी स्किन को ग्लो देने के साथ साथ एजलेस बनाने में हमारी मदद करता है। तो 1 चम्मच के आसपास हम यहाँ पर फ्लैक्सीड्स ऐड कर देने वाले हैं। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है वो है बहुत थोड़ा सा हल्दी।
एक चुटकी के आसपास आप हल्दी यहाँ पर डालेंगे। हल्दी इसलिए क्योंकि बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल, एंटी जर्मिसाइडल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं हल्दी में, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को रिजुविनेट करता है, स्किन पे नेचुरली ग्लो देता है और स्किन को एनहांस करके उसको एजलेस बनाने में हमारी मदद करता है। कोशिश करें कि आप यहाँ पर जो कस्तूरी हल्दी होती है उसका इस्तेमाल करें। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल हल्दी ले सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप DIYs पसंद करते हैं तो मेक श्योर कस्तूरी हल्दी में आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। नंबर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, मतलब कि नंबर 5 इंग्रेडिएंट, हमने पानी लिया है, हिबिस्कस फ्लावर पाउडर लिया है, हमने फ्लैक्स सीड्स लिया है, हल्दी लिया है। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वो है 1 चम्मच चावल। चावल जो भी आपके घर में बनता है, साबुत, किनकी, बासमती, जो भी आपके घर में चावल बनता है आप 1 चम्मच डाल दीजिए। चावल के अंदर होता है बहुत सारा स्टार्च, जिसकी वजह से स्किन को टाइटनिंग और स्किन को ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जो आपकी स्किन को रिजुविनेट करके आपकी स्किन को एजलेस बनाता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट देने में आपकी मदद करता है। नंबर 6 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं वो है 1/2 चम्मच नारियल का तेल। नारियल का तेल जो है इसके अंदर ल्यूरिक एसिड होता है, जो स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है और स्किन को रिवाइटलाइज करने में, स्किन को रिजुविनेट करने में आपकी मदद करता है। नंबर 7 और नंबर लास्ट इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है नींबू का छिलका। अब नींबू का छिलका ऐसे जूस निकाल करके नहीं रख देना है, नींबू का छिलका निकालने का तरीका यह है कि नींबू को लेकर छोटे से कद्दूकस के ऊपर आप हल्के हल्के से उसे ग्रेट कीजिए, उसके छिलके के धागे आपको मिलेंगे और एक पूरे नींबू के छिलके के जो धागे हैं वो आपको इस पानी के अंदर ऐड करने हैं। 7 इंग्रेडिएंट मिक्स हो गए। अब आपको इसे गैस पर चढ़ाना है और अच्छे से आपको इसे गर्म करना है जब तक कि आपको ये ना लगे कि ये जेली में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। जब ये जेली में अच्छे से कन्वर्ट हो जाए इसे गर्म गर्म छान लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसे ठंडा कर दिया तो ये नामुमकिन है कि आप इसे इस जेल को निकाल लोगे। तो गर्म गर्म इस जेल को अलग कर लीजिए, फिर इस जेल को ठंडा होने दीजिए और अब आपका ये बोटॉक्स जेल बनकर के तैयार है। इस जेल को आपको दिन में 2 बार लगाना है, तो दिन में 2 बार अगर आप लगा रहे हो तो शुरुआती 15 दिनों में, 16वें दिन से आप रात को सोते समय लगाओगे तो भी चलेगा। लगाओगे कैसे, तो लगभग 1 चम्मच के आसपास आप इस जेल को लोगे। इस जेल को साफ चेहरे पर लगाकर हल्के हल्के हाथ से अपवर्ड डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन में आप मसाज करोगे और मसाज करने के बाद जब आपकी स्किन में चला जाएगा तो आपको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि इन 15 मिनटों में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट होने लगेगी। जब टाइटनेस आ जाए आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए और एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा करके अपनी स्किन को छोड़ दीजिए। शुरुआती 15 दिनों में एक बार सुबह और एक बार रात को करोगे, 16वें दिन से सिर्फ रात को करना है या सुबह करना है ये आप डिसाइड करोगे। तो ये हो गया बाहर से किया जाने वाला बोटॉक्स ट्रीटमेंट। अब आपको अंदर से कैसे अपनी स्किन को एजलेस बनाना है, तो उसके लिए मेरा रिकमेंडेशन होता है हमेशा कि आप सीबकथॉर्न बेरी पाउडर को अपने रूटीन में शामिल कीजिए। अगर आप 25 साल के ऊपर के हो चुके हैं, अगर आप मेल हैं, अगर आप एक फीमेल हैं, तो आपको अपनी स्किन के रूटीन में सीबकथॉर्न बेरी पाउडर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। सीबकथॉर्न बेरी पाउडर एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक हर्ब है जो कि बहुत जगह पर वर्णित की जाने लगी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी खुद इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज के अंदर बताया है, जो वीडियो आप मेरी साइड वाली क्लिपिंग के अंदर देख रहे हैं। ये यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सीबकथॉर्न बेरी के बारे में ही बता रहे हैं। एक बार आप देखिए, मैं 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, क्या कहते हैं यहां पे नरेंद्र मोदी जी। सभी सीबकथॉर्न के बारे में जानते होंगे, लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला यह प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत रखता है। चाहे जितना सूखा हो यह अपने आप फलता फूलता है। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिख सुना आपने कि हमारे ही देश में उगने वाली एक बेहतरीन हर्ब है जो ना सिर्फ आपकी स्किन को हेल्दी करती है बल्कि आपके शरीर के अंदर जितने भी दूसरे ऑर्गन्स हैं जहां पर आपको बुढ़ापे के लक्षण नजर आते हैं, चाहे वो घुटने का दर्द है, चाहे वो हड्डियों का दर्द है, चाहे वो मांसपेशियों का दर्द है, चाहे वो किसी भी तरह की जकड़न है, अकड़न है, ब्रेन की कमजोरी है, शरीर की कमजोरी है, सब जगह पर सीबकथॉर्न बेरी पाउडर आपको काम करके देता है। तो 1 चम्मच सीबकथॉर्न बेरी पाउडर रोज रात को सोने से पहले गरम दूध या गरम पानी के साथ आप लीजिए और
तीन महीने के अंदर ही आप देखेंगे आपकी स्किन भी चमक रही है और आपके शरीर के अंदर भी आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जो है वो नजर आ रही हैं। इसे परचेज करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक सिबकथॉर्न बेरी पाउडर खरीदिए, वही आपको बहुत ज़्यादा काम करके देगा। अगर आप जल्दबाजी में कुछ भी ऐसे ही खरीद लेते हैं तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कि शायद फ़ायदा नहीं मिले। दोस्तों इन दोनों ही तरीके से अगर आप अपने प्रोसेस को पूरा करेंगे, मतलब एक्सटर्नली और इंटरनली, तो अब देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आपकी स्किन पे नेचुरली बॉटॉक्स जैसे आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। मेक श्योर इसे 3 महीने लगातार इस्तेमाल कीजिएगा और फिर अपनी स्किन पे बिफोर एंड आफ्टर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका प्यार आप मुझे ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूं और ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।